वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ सुषमाज किचन। हमारी आज की रेसिपी है मॉनसून स्पेशल ऑनियन भजिया, प्याज के पकौड़े। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने बेसन लिया हुआ है, कॉर्नफ्लावर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और यहाँ पर हमने कुछ बड़ी मिर्ची ली है जो कम तीखी होती है। प्याज लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, लंबी लंबी कट करके लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, जीरा और गरम मसाला थोड़ा सा। उसके बाद हम एक बड़े बोल में प्याज ले लेंगे। यहाँ पर हम मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज कट करी है। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ऑफ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर, और उसके बाद नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इससे अच्छी तरह से बाइंडिंग कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन की क्वांटिटी कम है तो आप ऊपर से बेसन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पेस्ट आपको रेडी करना है। उसके बाद हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे, गैस को आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। उसके बाद इस तरह से थोड़े थोड़े अमाउंट में लेकर हम भजिया डालेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक भी जाए और इसका कलर भी अच्छा से आ जाए। बीच बीच में हम इसे उलटते पलटते रहेंगे जिससे कि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और ये गोल्डन होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमें भजिया को फ्राई करना है। उसके बाद हम एक टिश्यू पेपर पे भजिया निकालेंगे जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम अपनी बाकी की भजिया भी रेडी कर लेंगे। जब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और अमेजिंग भजिया रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।